तो गाइस इस साल स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और जोकर के आने के बाद फैंस का एक ही सवाल है कि अब अगली सुपर हीरो मूवी हमें कब देखने को मिलेगी। तो अगली सुपर हीरो मूवी हमें कब दिखेगी, इस बात का जवाब आप इस फैक्ट के साथ पता लगा सकते हो कि हाल ही में आपने कौन सी मूवी का ट्रेलर देखा है। अगर आपको याद है तो आप समझ ही गए होंगे कि अगली सुपर हीरो मूवी कौन सी देखने को मिलेगी। पर इस वीडियो में हम सिर्फ इस बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डिज्नी प्लस ऐप इंडिया में कब लॉन्च होगा। तो गाइस मैं हूं अंशना और आज हम बात करने जा रहे हैं अगली रिलीज होने वाले सुपर हीरो मूवी के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे डिज्नी प्लस के इंडिया लॉन्च के बारे में। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे डिटेल शेयर करूंगा जो कि आपको आने वाली मूवी के बारे में कुछ हिंट दे सकते हैं, तो इसीलिए स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल सुपर हीरो फैंस का ये है कि अगली सुपर हीरो मूवी कब आएगी। तो इसका जवाब सिंपल है, अगली सुपर हीरो मूवी हमें डीसी की बर्ड्स ऑफ प्रे एंड द फैंटेबुलस इमेंसिपेशन ऑफ वन हार्ली क्वीन देखने को मिलेगी, जो कि रिलीज होगी 7 फरवरी 2020 को। ये मूवी पॉसिबल हो पाई हार्ली क्वीन का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस मार्गरेट रॉबी की वजह से, जिन्होंने वार्नर ब्रोस को पुश किया एक फीमेल सेंट्रिक मूवी के लिए। और बेशक आप में से कुछ फैंस कहें कि हमें नहीं पता इस बर्ड्स ऑफ प्रे के बारे में, हमें किसी मेजर कैरेक्टर की मूवी देखनी है, पर अगर हमें 2019 से कुछ सीखना चाहिए तो वो ये है कि डीसी मूवीज बहुत सारे हिडन टैलेंट पैक करके बैठी है। जहां इस साल हम फैंस को हैरान किया जोकर मूवी ने, वहीं क्या पता अगले साल की शुरुआत में बर्ड्स ऑफ प्रे बहुत जबरदस्त निकले। तो इसीलिए डीसी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे, ये सिनेमैटिक यूनिवर्स भी अपनी स्पीड पकड़ रहा है। पर तब भी अगर आप मार्वल फैंस हैं तो आप जानना चाहेंगे कि अगली मार्वल मूवी कब आने वाली है। तो अगली मार्वल मूवी जो हमें दिखेगी वो है द न्यू म्यूटेंट्स, जो कि रिलीज होगी 3 अप्रैल 2020 को। अब मुझे पता है कि आप फैंस कहेंगे कि हम इसकी उम्मीद में नहीं थे, पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक बार फिर सोच लो, ये मूवी पहले अप्रैल 2018 को रिलीज होने वाली थी, फिर इसे पुश किया गया अप्रैल 2019 की रिलीज के लिए, क्योंकि इसकी टेस्ट ऑडियंस के हिसाब से ये मूवी उतनी डरावनी नहीं थी और इसीलिए इस मूवी में कुछ चेंजेस किए गए ताकि इसे और डरावनी बनाई जा सके। पर तभी डिज्नी फॉक्स की डील के बाद इसके रिलीज को और आगे पुश कर दिया गया और अब इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट है अप्रैल 2020। तो जिस मूवी को एक बार कंप्लीट करके वापस रीशूट किया गया है ताकि उसे और डरावनी बनाई जा सके, उस कॉमिक बुक हॉरर मूवी को हम फैंस कैसे मिस कर सकते हैं। पर तब भी अगर आप मार्वल में स्पेसिफिक एमसीयू फैंस हैं तो आप जानना चाहेंगे अगली एमसीयू मूवी के बारे में। तो अगली एमसीयू मूवी जो हमें दिखेगी वो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की प्रीक्वल मूवी ब्लैक विडो। मैं जानता हूँ कि ब्लैक विडो यानी कि नताशा रोमानोफ मर चुकी है, पर मार्वल स्टूडियोज को नई ब्लैक विडो को भी इंट्रोड्यूस करना है और इसीलिए जबरदस्त मूवी हमारे सामने हमारी नताशा रोमानोफ की पहली स्टैंड अलोन कहानी लेकर आएगी, जहां फ्लोरेंस प्यूग येलेना का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए कॉमिक्स में अगली ब्लैक विडो बनती है, जिसका मतलब एमसीयू में अगली ब्लैक विडो भी वही बनेंगी। प्लस इसमें डेविड हार्बर प्ले कर रहे हैं रेड गार्डियन, जो कि सोवियत स्टाइल कैप्टन अमेरिका है, और इनका पहला क्लियर लुक हमें हाल ही में ब्लैक विडो के ऑफिशियल पोस्टर में देखने को मिला। तो इतने जबरदस्त कैरेक्टर्स और हमारी नताशा रोमानोफ की स्टैंड अलोन मूवी हम फैंस कैसे मिस कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्लैक विडो का ट्रेलर हमें दिसंबर में देखने को मिल सकता है। अब बात रही डिज्नी प्लस के इंडिया लॉन्च के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें डिज्नी प्लस के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। हालांकि ये बात फिलहाल क्लियर है कि इस ऐप को हॉटस्टार ही लॉन्च करेगा, पर हाल ही में सामने आए टेक क्रंच की रिपोर्ट के हिसाब से हॉटस्टार डिज्नी प्लस को 2020 के आईपीएल सीजन के बाद रिलीज करेगा, यानी कि डिज्नी प्लस मई 2020 में लॉन्च होगा, जिसकी कीमत मानी जा रही है कि इसका एक महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान होगा अराउंड 590 रुपीस का और एक साल का प्लान होगा 5900 का। वैसे हॉटस्टार फिलहाल आपको 299 रुपीस में मंथली और 999 में ईयरली सब्सक्रिप्शन के हिसाब से मिलता है, तो शायद हॉटस्टार और डिज्नी प्लस की बंडलिंग के बाद इस रेट में कुछ चेंजेस आए। तो गाइस ये थी वीडियो अगली सुपर हीरो मूवी के बारे में। डिज्नी प्लस ऐप इंडिया में लेट जरूर लॉन्च हो रहा है, पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसे वीपीएन यूज करके डाउनलोड ना करें, ये सेफ नहीं है। पर फिर भी अगर उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि आप अगली किस मूवी का वेट कर रहे हैं। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप ब्लैक विडो को कॉमिक्स में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अंशना एंड यू आर सुपर सुपर पीस।